नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज़। दोस्तों इस समय पशुपालन विभाग हरियाणा में मौजूद है करनाल में, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक अस्पताल में है जहां पर लोग अपने स्ट्रीट डॉग्स को लेकर आते हैं, यहां पर कभी बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि एक बड़ा ही दुखद मामला सामने आया है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि दो छोटे छोटे लगभग 1 से 2 महीने की उम्र के दो डॉग्स, जिनके ऊपर से गाड़ी जो है निकल जाती है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर आस पड़ोस के लोगों ने जो है उसकी जानकारी हमें दी, जिसमें बताया कि एक लगभग 16 सेक्टर के आसपास के इलाके में एक गाड़ी जो थी वो दो स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर से निकल जाती है और एक घर के बाहर ही सीसी कैमरा लगा होता है, जिसके अंदर ये सारी की सारी वारदात जो है वो आती है और तड़पते हुए वो बच्चे जो छोटे छोटी उम्र के जो डॉग्स हैं लगभग 1 से 2 महीने के, उनकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी और अब FIR भी दर्ज की जा रही है उन व्हीकल वालों के खिलाफ। तो एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? सर सौरभ नाम है मेरा, सेक्टर 16 में मैं रहता हूँ। जी जी। और ये बेसिकली 7 बेबीज थे जो अभी सवा महीना पहले पैदा हुए थे। जी जी। तो इनको सुबह शाम फीड मैं कर रहा था और इवन इन्हीं के लिए मैंने 3-4 दिन पहले कैमरे लगवाए थे घर पे। जी जी जी। क्योंकि कुछ हमारे नेबर्स हैं उनको प्रॉब्लम थी इनसे, पोटी वगैरह से जैसे था। जी जी जी। तो यही 3-4 दिन के बाद ये एक्चुअली लोड़ी पे शाम को सो रहे थे, लोड़ी के बाद ना वहाँ पत्थर गर्म था। जी जी जी। तो ये वहाँ सो रहे थे 14 तारीख के आसपास। 14 तारीख को, 13 को हमने आग जलाई, 14 को ये सो रहे थे वहाँ पे। तो उसमें क्या था कि यहाँ पे 7 के 7 लेटे हुए थे, बाय चांस 3-4 मिनट पहले ही 5 उठ के शिफ्ट हुए थे और ये 2 सो रहे थे। जी जी। तो वही उसी टाइम पे एक गाड़ी आई टर्न की, मतलब इतना एरिया था वहाँ पे देखने का कि आराम से दिखता है। जी जी जी। बट उसने देख के भी इनके ऊपर से गाड़ी निकाल दी और इवन रुका नहीं, होता ना कि पता लग जाता है भाई आया है नीचे कुछ, रुकूं क्या है कुछ नहीं, रन थ्रू सीधा निकल गया। तो मेनली प्रॉब्लम ये भी है साथ में कि वहाँ बच्चे भी खेलते हैं साथ इन कुत्तों के साथ, छोटे छोटे बच्चे मेरे घर के सामने बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे सब खेलते हैं इनके साथ। वो हो सकता है मे बी वो भी खेल रहे होते उस टाइम पे, बैठा होता कोई नीचे तो मे बी। तो वही वीडियो भी है, सारी वीडियो से आपको बता दें, एक वीडियो भी आपको दिखाते हैं। अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दुखद ये खबर ज़रूर है, क्योंकि दो छोटे छोटे मासूम से, यानी हम कह लें स्ट्रीट डॉग्स हैं, बच्चे हैं छोटे से, तो उनके ऊपर से ये गाड़ी निकल जाती है। आपको बता दें इन्हीं के घर के बाहर ये कैमरा लगा हुआ है। हालांकि प्रयास ये रहेगा कि आपको पूरी तस्वीरें शायद ना दिखा पाएँ, लेकिन ये दो आप देख सकते हैं कि ये दो बच्चे जो हैं ये स्ट्रीट डॉग्स, यानी लगभग इनकी उम्र 1 से 2 महीने के बच्चे होंगे, सवा महीना 2 महीने के आसपास की इनकी उम्र है। और अभी ही आपको दूर से ही हम ये तस्वीरें दिखा पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के ऊपर से जो है गाड़ी निकल जाती है। ये देख लीजिए दूर से, अगर हमें दिखा पाएँ, ज़्यादा नज़दीक जो है नहीं दिखा पाएंगे। ये देख लीजिए दूर से, अचानक से देख लीजिए ये निकल जाती है, इनके ऊपर से कार निकल जाती है और उसके बाद ये देख लीजिए यही बच्चे देख लीजिए तड़पते हुए, ये देख लीजिए किस तरीके से तड़पते हुए ये यहीं पर जो है अपना दम तोड़ देते हैं। ये देख लीजिए किस तरीके से, यानी अपने आप में कम से कम मुड़ते समय में इतना ध्यान तो रखना चाहिए था। और यहाँ पर फिलहाल अभी आगे क्या किया गया, जिस तरीके से ये गाड़ी पर निकली अभी आगे की क्या? अभी सर कल हमने इनका FIR किया था, तो उसके बाद इन्होंने पुलिस वालों ने हमें बोला कि सुबह हम पोस्टमार्टम कराएंगे। तो सुबह 9:30 मेरे घर आ गए थे पुलिस वाले। अच्छा। तो हम लोग वहाँ जामने ने दफनाया था, वहाँ गए, वहाँ से इन्हें निकाल के लाए, सेक्टर 16 की। हाँ, वहीं नियर बाय दफनाया था हमने ओपन में, तो वहाँ से अभी निकलवा के लाए और यहाँ पे अभी इन्होंने पोस्टमार्टम किया है, रिपोर्ट बना के अपना चले गए पुलिस वाले। अच्छा। तो यहाँ पर और लोग इसके अंदर बता रहे हैं, दो लोग थे गाड़ी के अंदर। हाँ, जो गाड़ी के अंदर दो लोग बैठे हुए थे, दो लोग बैठे हुए, एक्चुअली सर के घर के बाहर कैमरा लगा है, वहीं से गाड़ी चली थी, वो वहीं से हुई थी, तो उसमें हमने देखे थे दो लोग बैठ के निकले थे। तो अभी धाराएं वगैरह क्या लगाई हैं कुछ इसके बारे में? धारा सर मैंने धारा नहीं देखी, उसमें क्या लगी है अभी उन्होंने अपनी शीट में क्या मेंशन किया है? जी 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 जी। आई थिंक एनिमल एक्ट की कौन कौन सी धारा है? जी जी जी। कौन कौन सी? सेक्शन 429, सेक्शन 278 के अंदर इनके ऊपर दो धाराएं लगाई गई हैं। दो धाराएं लगाई गई, उसके अंदर केस रजिस्टर्ड किया और उसी के बिहाफ पे पोस्टमार्टम हुआ आज इनका। जी जी जी। अब उसके बाद आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है अपनी, जो भी कार्रवाई होगी। जी 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 जी। तो यहाँ पर आप सभी से निवेदन है कि अगर आप अपनी गाड़ी में निकलते हैं तो ध्यान दिया कीजिए, गली में रहने वाले ये स्ट्रीट डॉग्स जो हैं ये भी हमारे ही समाज का हिस्सा है और इनकी भी जान उतनी कीमती है जितनी हमारी कीमती है, लेकिन फिर भी जो है इन्हें
स्ट्रीट डॉग्स समझकर किसी भी तरीके से हम अपनी व्हीकल जो है तेज़ी से निकाल लेते हैं और कहीं ना जाने ऐसी स्ट्रीट डॉग्स अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए आपसे कहते हैं कि अपनी व्हीकल को कंट्रोल में चलाएं, अपना भी ध्यान रखें और आसपास के जो हमारे जो पेट्स हैं, जो जानवर हैं, उनका भी ख्याल रखें। तो ऐसे में फ़िलहाल जो आपको बता दें कि उन्हीं की जो बॉडी है उन्हीं स्ट्रीट डॉग्स की, वो पीछे की तरफ ही पड़ी हुई है। उनकी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन यहीं पर अभी उनका पोस्टमार्टम किया गया है और अब जो है एनिमल एक्ट के अंदर धाराएं जो है लगाने के बाद अब जो है कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के ऊपर। तो वो लोग रहने वाले कहाँ के हैं वैसे? जो गाड़ी नंबर हमने निकाला है उसमें से वो सेक्टर 16 का ही है। सेक्टर 16 के ही है? हाँ जी, वहीं की गाड़ी है। जी जी जी, जो उनका गाड़ी नंबर से डिटेल निकल के आई है ना, तो सेक्टर 16 875 आई थिंक नंबर 875 हाउस नंबर 875 हाउस नंबर ये फर्स्ट टाइम ही आप कह सकते हो इसमें ना कि किसी ने ऐसे पोस्टमार्टम करवाया। इवन पुलिस वालों ने सुबह सुबह फर्स्ट टाइम, जब पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए फर्स्ट टाइम पहली बार मतलब बोला है कि यार पोस्टमार्टम करेंगे, मतलब कार्रवाई करेंगे तो पूरे इंसानों की तरह करेंगे, जैसे इंसानों का पोस्टमार्टम वैसे इनको लेंगे। तो बस यही है। जी 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 जी, तो यहाँ पर आपसे प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। पहली बार ही ऐसा किया गया है कि डॉग्स का पोस्टमार्टम किया गया है। जिस तरीके से आपने देखा है अक्सर जो है मर्चरी हाउस के अंदर पहुँचते हैं तो लोगों का पोस्टमार्टम होता है, तो तरीके के साथ जो है अब आगे इस कार्रवाई को किया जाएगा। और फिलहाल आपसे अपील है ध्यान से रहें, खुद भी अच्छे से रहें और फिलहाल आसपास के जो जानवर हैं उनका भी ख्याल ज़रूर रखें। तो आपसे प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे आबिन 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।